Hello you all. So in this video I'm gonna talk about how to contour your face. So stay tuned for this video. Actually this video is a request by one of my friend. So on the one side of my face I'm gonna contour my face from powder, and from other side I'm gonna contour my face with the cream. So द की इज़ जहाँ पे आपका आईब्रो है ना, आईब्रो का लाइक हाई पॉइंट होता है, आप अपना जो क्रीम का कॉन्टोर है आप जस्ट फेस पे वहाँ तक प्लेस कर सकते हो, जस्ट लाइक हाउ आई एम शोइंग इन द वीडियो. ओके, सो मेक श्योर आप थोड़ा ठीक से कर लो. द थिंग इज़ आई एम नॉट प्रो एट इट, सो मुझे जितना पता है मैं वही बताने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ. सो फोरहेड पे भी हम कॉन्टोर करेंगे. एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट फॉर दिस वीडियो मैं यहाँ शो कर रही हूँ. ओके, देन नोज़ पे भी थोड़ा सा कॉन्टोर. एक्चुअली मैंने प्रोडक्ट ज़्यादा ले लिया है बाय मिस्टेक, सो कोई बात नहीं, इसको ब्लेंड करके ठीक कर लेंगे हम लोग. नाउ जस्ट ब्लेंड दिस. यू कैन ब्लेंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश एज वेल, बट हेयर आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर. द की इज़ जब आप चीक बोन को कॉन्टोर कर रहे हो ना, जस्ट गो अपवर्ड, और जब आप जॉ लाइन को कॉन्टोर कर रहे हो तो गो डाउनवर्ड. मतलब प्रोडक्ट जो है ना वो डाउनवर्ड को लेके आओ, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए. ये मैंने किसी वीडियो में देखा था, आई डोंट नो. तो हो गया, जब आप वो फोरहेड को कॉन्टोर कर रहे हो तो जो भी प्रोडक्ट्स है ट्राई कि उसको हेयर लाइन जो है उसके साथ आप मर्ज कर दो, सो दैट उसे उतना ज़्यादा पता ना चले. उसको भी नीचे नहीं लेके आना है, यू कैन से कि वो भी अपवर्ड जाएगा. ठीक है, सो जस्ट ब्लेंड. अब बारी है नोज़ की. सो नोज़ में कुछ नहीं है, जस्ट जैसे ही आपने लाइन किया है ना प्रोडक्ट को वैसे ही ब्लेंड कर दो. सो द अदर साइड आई एम गोइंग विथ दिस पाउडर कॉन्टोर, दिस इज़ फ्रॉम शुगर. तो इसमें कुछ वैसा है नहीं, जस्ट ब्लेंड इट अपवर्ड्स. क्या होता है ना पाउडर, आई यूजुअली प्रेफर पाउडर्स कॉन्टोर या पाउडर ब्लश, क्योंकि मुझको लगता है आई गेस आई विल बी एबल टू क्रिएट सच गुड थिंग्स विथ पाउडर्स. मेरा क्रीम पे ज़्यादा उतना हाथ सही नहीं है, सो या इसमें भी मैं सेम टेक्निक यूज़ कर रही हूँ. जो भी मैं जॉ लाइन को जब कॉन्टोर कर रही हूँ तो मैं डाउनवर्ड जा रही हूँ, एंड व्हेन आई एम डूइंग इन माय फोरहेड ऑन माय फोरहेड सॉरी, तो मैं उसको जस्ट हेयर लाइन के साथ मर्ज कर दे रही हूँ. एंड जब मैंने जॉ लाइन किया था सॉरी मैंने जब अपना चिक बोन किया था, चिक्स किया था एक्चुअली, तो मैं भी अपवर्ड जा रही थी उस वक्त. सो हो गया, अब क्या है, जस्ट थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके हम अपने नोज़ को भी कॉन्टोर करेंगे. तो बस जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप करें. अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट प्रो एट इट. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई कंसीलर. मतलब जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना है फेस को आप कॉन्टोर के बाद वो करिएगा तो वो ज़्यादा सही होता है. लाइक मैंने कॉन्टोर कर लिया और जब मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ तो ज़्यादा रिफाइन करेगा ये, सो दैट्स हाउ आई डू इट. पहले भी कर सकते हो हाईलाइट फेस को, वैसा कुछ नहीं है. चलो ठीक है, हमने लगा लिया कंसीलर, अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे. यस, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना था मैंने कर लिया अपने फेस, अब मैंने ब्लेंड कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू टेक लूज़ पाउडर, और जहाँ जहाँ हमने हाईलाइट किया था ना हम वहाँ वहाँ ही अप्लाई करेंगे. मतलब इट्स जस्ट हाउ यू बेक योर फेस. यस, तो बस मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके लगा रही हूँ, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट प्रो एट इट. तो चलो सेफ खेलना ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा थोड़ा करके पहले लगाओ. अंडर आई एरिया को भी मैं बेक कर रही हूँ. गया जस्ट थोड़ा थोड़ा, एंड इग्नोर द वियर्ड फेसेस आई एम मेकिंग वाइल कॉन्टोरिंग और बेकिंग वॉट एवर. It's so weird. Right now I'm realizing. यहाँ पे बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा लगाया है, ज़्यादा नहीं. चलो ठीक है, और एक दो मिनट के बाद हम इसको जस्ट डस्ट ऑफ कर देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि एक दो मिनट में ना वो पूरा सेट हो जाता है, तो जो एक्सेस रहता है अब उसको डस्ट ऑफ कर दो, हो जाएगा.
सो बस फेस मेरा पतला लग रहा है ये। चलो सही है। और फिर ये लुक जो मैंने क्रिएट किया था वो मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ इसमें। उसके बाद फिर मैं अभी पोजेस दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो ये लुक आया है ना मुझे बहुत पसंद है। मेरे को लगा पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, बट सही है। तो चलो बाय।